नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज के अकॉर्डिंग आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे 5 कॉमनली यूज किए जाने वाले ओरल स्टेरॉइड्स और 6 कॉमनली यूज किए जाने वाले इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स दिख रहे होंगे। इन्हें लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है साइक्लिंग, जिसमें आप स्टेरॉइड को कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, फिर अचानक से रोक देते हैं, उसके बाद फिर उसे साइकिल करते हैं। दूसरा मेथड होता है स्टैकिंग, जिसमें आप मल्टीपल स्टेरॉइड्स लेते हैं और इसमें आप ओरल और इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स को मिक्स करके भी ले सकते हैं। तीसरा मेथड होता है पिरामिडिंग, जिसमें आप स्टेरॉइड की लो डोज से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उसके पीक डोज से पहुंच जाते हैं, फिर उसको वापस से रिड्यूस करते करते जीरो पे कर देते हैं। चौथा मेथड होता है प्लैटूइंग, जिसमें आप किसी एक स्टेरॉइड को लेते हैं और जैसे ही आप उसके मैक्सिमम बेनिफिट तक रीच कर पाते हैं, सडनली आप दूसरे स्टेरॉइड पर स्विच हो जाते हैं। तो गाइज, ये सब मेथड आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप चाहे जो भी स्टेरॉइड ले लें, जिस मेथड से ले लें, आपको ये कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल ही सकते हैं। इसलिए गाइज, बी नेचुरल, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ टेक्स टाइम बट इट्स वर्थ इट।